पवन सिंह की फिल्म मेरा भारत महान, जी हाँ, इसका पोस्टर रिलीज हुआ है 15 अगस्त के मौके पर। फर्स्ट लुक आप देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही साथ आपको ये लुक चंद्रशेखर आज़ाद की याद दिला देगा। और आपको बता दें कि इस लुक में पवन सिंह तो भाई बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही डैशिंग लग रहे हैं। उनका ऐसा लुक मानो चंद्रशेखर आज़ाद को श्रद्धांजलि देने के लिए हो। ये पोस्टर देख रहा है, उसे यही लग रहा है कि मेरा भारत महान जो ये फिल्म बन रही है, क्या इसमें पवन सिंह का कैरेक्टर ऐसा है? तो हम आपको बता दें, ये देशभक्ति से लबरेज फिल्म जरूर होगी, लेकिन पवन सिंह का कैरेक्टर इस तरह का नहीं होने वाला है। पवन सिंह ने इस फिल्म की लगभग पूरी शूटिंग कंप्लीट कर ली है। लॉकडाउन से पहले इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी और इस फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़े बहुत हिस्सों की जो बाकी है शूटिंग, ये जल्द ही कंप्लीट कर ली जाएगी। इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जाएगा और इस फिल्म को लेकर पवन सिंह के साथ साथ उनके फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। और एक्साइटमेंट इस तरह से बढ़ गई है कि इस लुक को देखने के बाद अब सभी इस फिल्म का ट्रेलर देखना चाहते हैं। और पवन सिंह के इस लुक को देखने के बाद अब दर्शक ये भी डिमांड कर रहे हैं कि आपको एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जिसमें आप चंद्रशेखर आज़ाद का कैरेक्टर निभाते नजर आएँ। ऐसे में पवन सिंह देखिए क्या होता है, अपने फैंस की ये बात मानते हैं या नहीं, लेकिन आपको ये लुक देख कर क्या चंद्रशेखर आज़ाद की याद आई? अगर आई तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए, नहीं तो फिर सजेस्ट कीजिए कि पवन सिंह को कौन सा रोल हमारे आज़ादी के क्रांतिकारियों का करना चाहिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।